मैं पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ अब जो 400 पार का नारा दिया और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का हमने नारा दिया था कहाँ कमी रह गई कमी तो रह गई तो ये विश्लेषण करना समीक्षा करना साक्षी महाराज के बस की बात नहीं है हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इसको बहुत गंभीरता से समीक्षा करेगा ये छोटी बात नहीं है जितनी गंभीर बात है पार्टी उसी गंभीरता से इस बात को लेगी जो मेरे संज्ञान में होगा वो मीडिया के सामने नहीं मैं पार्टी के प्लेटफार्म पर उस बात को जरूर कहने का काम करूँगा पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की वो आस्तीन के सांप बने लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी उन्नाव से तीसरी बार विजयी हुए साक्षी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई तीसरी दो बार उन्नाव की जनता ने आपको चुना है क्या कहना चाहते हैं इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा और देवतुल्य अपने उन्नाव के सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने तीसरी बार मेरे पर विश्वास किया है उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हुए उन्हें विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले पाँच वर्षों में मैं उनके इरादों पर खरा उतरने का काम करूँगा और अगर विगत वर्षों में कुछ कमियाँ रह गई होंगी तो उन्हें सुधारने का काम करूँगा चल लगातार ये कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि इस बार चार सुपार तो आपको क्या लगता है कि यूपी में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं कहाँ कमी रह गई या कुछ ऐसे फैसले लेने में कहीं कहीं गलती हो गई होगी जो ये निर्णय आया मैं पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ अब जो 400 पार का नारा दिया और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का हमने नारा दिया था कहाँ कमी रह गई कमी तो रह गई तो ये विश्लेषण करना समीक्षा करना साक्षी महाराज के बस की बात नहीं है हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसको बहुत गंभीरता से समीक्षा करेगा ये छोटी बात नहीं है जितनी गंभीर बात है पार्टी उसी गंभीरता से इस बात को लेगी जो मेरे संज्ञान में होगा वो मीडिया के सामने नहीं मैं पार्टी के प्लेटफार्म पर उस बात को जरूर कहने का काम करूंगा। अच्छा यूपी में जिस तरीके से कहा जा रहा था 80 की 80 सीटें बीजेपी के पास होंगी और जो रिजल्ट आया वो काफ़ी चौंकाने वाला रहा तो यूपी में क्या लगता है कि कौन से आंकड़े फेल हो गए ऐसे मैं विशेषकर यूपी के बारे में ही कह रहा हूं क्योंकि मैं यूपी में रहता हूं और यहां से तीसरी बार सांसद हूं और माननीय कल्याण सिंह के जमाने से मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की है तो लगभग अस्सी लोकसभा में मेरा आना जाना जानकारी मुझे है तो इसकी समीक्षा तो केंद्र नेतृत्व करेगा प्रदेश का नेतृत्व भी करेगा परंतु मुझे जहाँ की जानकारी है तो मीडिया पर न बता करके मैं जो उचित स्थान है जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या पार्टी का संगठन है मैं जरूर बताने का काम करूंगा कि मेरी दृष्टि से कहाँ चूक हुई है तो पार्टी अपने आकलन को और मेरे आंकलन को सोचेगी कि हाँ कहाँ गलती हो गई अच्छा आपको लगता है कहीं पश्चिमी यूपी या पूर्वी यूपी में कुछ माइनर ऐसी दिक्कतें रहीं जो फेस करना पड़ा आप लोगों को पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की वो आस्तीन के सांप बने लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये थे साक्षी महाराज जो तीसरी बार हैट्रिक मारकर उन्नाव में सांसद चुने गए हैं उनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व पर इस बात का विचार होगा कि कहाँ कमियाँ रह गई हालाँकि उन्होंने कहा कि कुछ गद्दार ज़रूर हैं जिसको लेकर समीक्षा की जाएगी उन्नाव से सूरज सिंह आज तक